उदाहरण 7, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x³ धन x², ऋण 5x धन 2 को x धन 2 से भाग करने पर शेषफल 0 है। हल हम देखेंगे, हल के लिए हम भाज्य में लिखेंगे 2x³ धन x², ऋण 5x धन 2, यह हमारा भाज्य है और भाजक जो है वो है हमारा x धन 2। इसको हमको भाग देना है। भाग देने के लिए सबसे पहले x को ऐसी किस संख्या से यहाँ गुणा करें जिससे हमें 2x³ प्राप्त हो। तो चूंकि यहाँ 2 है तो सबसे पहले हम यहाँ 2 लिखेंगे और x को जब हम x²² से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 2x³। उसी तरह से धन 2 को जब हम 2x²² से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा धन 4x²। अब इसे घटा चिन्ह को जब हम बदलेंगे तो हमें 2x³ में से ऋण 2x³ करेंगे तो 0 प्राप्त होगा और धन 1x², ऋण 4x², को जब हम इसे घटाएंगे तो हमें ऋण 3x², प्राप्त होगा। ऋण 5x को हम नीचे उतारेंगे और धन 2 को भी नीचे उतार लिए। अब x को ऐसी किस संख्या से यहाँ गुणा करें जिससे हमें ऋण 3x², प्राप्त हो। तो हमें ऋण 3 चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे ऋण 3 लिखेंगे और ऋण 3 को जब हम x से गुणा करेंगे तो ऋण 3x आएगा। इसके लिए हम ऋण 3x को जब हम x से गुणा करेंगे तो हमें ऋण 3x², प्राप्त होगा। अब पुनः धन 2 को हम ऋण 3x से गुणा करेंगे तो धन गुणित ऋण, ऋण और 2 × 6x, यहाँ ये प्राप्त हुआ। अब इसका चिन्ह नीचे वाली चिन्ह बदलेंगे हम। चिन्ह जब बदलेगा तो ऋण 3x², धन 3x², में 0 प्राप्त होगा और ऋण 5x धन 6x बराबर हमें x मिलेगा, धन 2। अब x को ऐसी किस संख्या से हम यहाँ गुणा करें ताकि हमें x मिले। x को जब हम धन 1 से गुणा करेंगे तो हमें x गुणित धन 1 बराबर x प्राप्त होगा और धन 2 को पुनः धन 1 से गुणा करने पर हमें धन 2 पुनः मिला। अब इसे घटाने के लिए चिन्ह विपरीत होगा, धन का ऋण और ऋण का धन। तो x ऋण x यहाँ 0 मिला और धन 3 धन 2 ऋण 2 बराबर 0। स्पष्टता शेषफल 0 है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा शेषफल 0 है। करके देखें, बहुपद x वर्ग धन 2xy धन y वर्ग को गुणनखंड के रूप में लिखिए तथा x धन y से भाग दीजिए।